हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, छठ मगनी बर्ड शादी करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन करें ये उपाय। दोस्तों, हर माता पिता को अपने जवान हुए बच्चों के विवाह की चिंता सताती रहती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चों का विवाह नहीं होता है। ऐसा होने पर कुछ उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं से मुक्ति पा जा सकती है। छठ मंगनी पट शादी करवाने वाले लड़का लड़की दोनों इन उपाय को कर सकते हैं। प्रेम विवाह करने वाले भी इन उपायों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, भगवान शिव का पूजन। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखें। तो दोस्तों, श्वेतार के वृक्ष की धूप दीप से पूजन करके इसके 8 पत्तों को लेकर 7 पत्तों से थाली तैयार करें। 8वें पत्ते में अपना नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। जब तक शादी की बात पक्की नहीं होती है, ये उपाय करते रहे। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो दोस्तों, दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और ये ग्रह भी शांत रहते हैं। सोमवार के दिन लड़का लड़की 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर दूध किसी जरूरतमंद को दान में दे। ये उपाय तब तक करते रहे जब तक विवाह पक्का ना हो जाए। तो दोस्तों, लड़कों के विवाह में हो रही है देरी तो करे ये उपाय। लड़कों के विवाह में बाधाएं आ रही है तो मंगलवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर भगवान श्री राम और देवी सीता के चरणों में अर्पित करें और शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करें। 21 मंगलवार तक ये उपाय करें। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और शीघ्र शादी का योग बनता है। तो दोस्तों, वट वृक्ष का पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, लड़की की विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए किसी भी पूर्णिमा को वट वृक्ष का पूजन करें। पूजा के बाद मन में शीघ्र विवाह की कामना लेकर वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। सुहागिन श्रेया भी अपने सुहाग के लिए वट वृक्ष का पूजन करती है। तो दोस्तों, इस तरह ये उपाय करते हैं तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।